ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पशु मंडी पर किसान मेला समिति नमहोल की आम बैठक मेला समिति के वरिष्ठ सदस्य व समिति के सलाहकार दिलाराम ठाकुर की अध्यक्षता में विश्राम गृह नमहोल में संपन्न हुई। इस बैठक में मेला समिति का पुनर्गठन किया गया। बैठक में समस्त उपस्थित सदस्यों ने आम सहमति से सभी पदाधिकारियों व कार्यकारी सदस्यों का निर्विरोध चयन किया। पशु मंडी व किसान मेला समिति नमहोल की आम बैठक मेला समिति के वरिष्ठ सदस्य व समिति के सलाहकार दिलाराम ठाकुर की अध्यक्षता में विश्राम गृह नमहोल में संपन्न हुई। इस बैठक में मेला समिति का पुनर्गठन किया गया। बैठक में समस्त उपस्थित सदस्यों ने आम सहमति से सभी पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्यों का निर्विरोध चयन भी किया। मेला समिति के अध्यक्ष पद पर बाबू राम सिसोदिया को चुना गया। महासचिव पद पर शोभा राम ठाकुर को चुना गया। नवनियुक्त अध्यक्ष बाबूराम सिसोदिया व महासचिव शोभा राम ठाकुर ने संयुक्त बयान में कहा कि नवनियुक्त कार्यकारिणी पूरी ईमानदारी व कठिन परिश्रम से पशु मंडी व किसान मेला नमहोल को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। समिति के हर पदाधिकारी और हर सदस्य का प्रयास रहेगा कि आम जनमानस को इस मेले से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करें। नए सदस्य जोड़ने के लिए अलग से विशेष प्रयास भी किए जाएंगे ताकि कला समिति की आर्थिकी को सुधारा जा सके। उन्होंने कहा कि मेला समिति का प्रयास रहेगा कि मेला आयोजन पर आय व्यय के साथ साथ समिति के हर कार्यकलाप में पारदर्शिता कायम रहे। मेला समिति के अध्यक्ष व महासचिव ने संयुक्त रूप से बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का आभार भी व्यक्त किया जिन्होंने मेला समिति का निर्विरोध चयन किया है और उन्हें सेवा का मौका दिया है। सभी लोगों ने मुझ में विश्वास जो प्रकट किया है मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बाकी हमारा मेला पिछले 7-8 साल से बहुत सुचारू ढंग से चला हुआ था और इस परंपरा को आगे भी कायम रखा जाएगा। पिछले मेलों में अगर कोई कमी रही होगी तो नई कार्यकारिणी के सुझावों पर उन कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी और मेले को और ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। पशु मंडी एवं किसान मेला नमहोल की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें पशु मंडी और किसान मेला समिति का पुनर्गठन किया गया और सभी पदों पर निर्विरोध पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। यह मेला पिछले लगभग 8 वर्ष से लगातार आयोजित किया जा रहा है। इस मेले के आयोजन के पीछे मेला समिति का एक विशेष मोटो था क्योंकि यह मेला ग्रामीण परिवेश में आयोजित किया जाता है, इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान व पशुपालकों का सहयोग रहता है। पहले इस मेले में 4 पंचायतों से जो सरावनी की 4 पंचायतें उनके बहुत अच्छे अच्छी किस्म के पशु गाय भैंस बैल इत्यादि आते रहे हैं और उनको विजेता पशु मालिकों को उत्कृष्ट और अच्छे पारितोषिक दिया जाता रहा है। लेकिन हर वर्ष देखने में यह आ रहा है पशुओं की लगातार संख्या कम होती जा रही है। अच्छी किस्म के पशु बहुत कम मेले में आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों का ध्यान पशुपालन की तरफ बहुत कम रहा है। किसानों के जुड़ने के कारण इस मेले में किसानों के बढ़िया किस्म की खेती से रिलेटेड जितने भी उत्पादन हैं उनकी प्रदर्शनियाँ भी लगती रही हैं। लेकिन अब इन सब चीज़ों से लोग पीछे हट रहे हैं। कारण क्या रहे होंगे इस चीज़ का कोई मालूम नहीं, लेकिन इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ही ऐसे मेलों का आयोजन किया जाता है और मेला कमेटी का अभी भी यही प्रयास रहेगा कि इस मेले में ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं की भागीदारी हो, किसानों की भागीदारी हो और अच्छी किस्म के किसानों के उत्पादन इन प्रदर्शनियों में यहाँ